हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो विद कोड में। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्मस्ट्रांग नंबर के पार्ट टू। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हम आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये सब बताया था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने सिर्फ तीन डिजिट नंबर में अगर कोई आर्मस्ट्रांग नंबर है तो उसको कैसे फाइंड करें, बस वही बताया था। ठीक है, अब इसमें मैं बताऊंगा कि हाँ, कोई भी जनरल मतलब वन डिजिट से लेके 10 डिजिट इनफिनाइट डिजिट तक का नंबर को अगर फाइंड करना कि वो आर्मस्ट्रांग नंबर है या नहीं है तो वो कैसे करे, तो वो आज मैं यहाँ पे सिखाने जाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिविजन करा देता हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर क्या होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले 153, तो 153 में 3 डिजिट है। ठीक है, फर्स्ट है 1, फिर है 3, फिर है 5, तो यहाँ पे 3 डिजिट है। तो आर्मस्ट्रांग नंबर के मुताबिक, डिफिनीशन के मुताबिक, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब ये हुआ। ठीक है, तो 1 का क्यूब कितना, 1 प्लस 3 का क्यूब 27 प्लस 125 5 का क्यूब इक्वल टू कितना होगा, बात करें तो 153। मींस कि ये क्या है कि ओरिजिनल नंबर के बराबर है। ठीक है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, अब जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8208। ठीक है, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है। अगर आप इसको चेक करते हैं 4 डिजिट नंबर में तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये भी आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, जनरली बता देते हैं, 8 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 0 टू द पावर 4 प्लस 8 टू द पावर 4। अगर इसको इक्वल टू कीजिएगा तो ये आपके 8208 के बराबर ही आएगा। तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। ठीक है, तो ये 4 डिजिट। अब तो पहले वाले में सिर्फ हम देखे थे कि यहाँ ये जो 153 है उसी को हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर निकाल सकते थे, बट 8208 को हम लोग आर्मस्ट्रांग नंबर उस फर्स्ट पार्ट पोर्शन से नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो हम इसमें जनरल सॉल्यूशन बात करेंगे। तो चलते हैं अब इसके प्रोग्रामिंग पर, लॉजिक पर। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं stdio.h इंक्लूड किया हूँ, उसके बाद एक math.h इंक्लूड किया। math.h यहाँ पे इसलिए इंक्लूड किया हूँ क्योंकि यहाँ पे हम लोग मैथ फंक्शन यूज करेंगे। जैसे सी का कुछ फंक्शन जो प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं वो हर एक हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हर एक हेडर फाइल में होता है, stdio में क्या है, printf, scanf, ये सब है। तो मैथ में स्क्वायर रूट, पावर, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम वही यूज करने वाले हैं, इसलिए हम math.h को यहाँ पे यूज किए। तो सबसे पहले चलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, तो वेरिएबल int नम लेते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद काउंट ले लेते हैं, काउंट को 0 कर देते हैं, और फिर काउंट 1 भी एक ले लेते हैं, उसको भी 0 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद temp, एक टेम्प्रोरी वेरिएबल ले लेते हैं, फिर एक temp 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये सब वेरिएबल क्यों लिए आगे हम चल के बताएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे जनरली डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम करते क्या, प्रिंट एफ इंटर द नंबर फाइंड इंटर द नंबर टू फाइंड आर्मस्ट्रांग नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया जनरली प्रिंट एफ बता रहे हैं बताने के लिए कि हाँ यहाँ पे हम लोग क्या इंटर करना है, इसलिए हम प्रिंट एफ का यूज किए। स्कैन एफ परसेंट डी एम परसेंट नम,
यहाँ पे हम लोग नम को इनपुट ले लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेम्प को नम के बराबर कर देते हैं, ये क्यों किए हैं पिछले पार्ट में, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, और फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप जाकर फर्स्ट पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेल टेम्प ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होगा, उसके बाद टेम डिवाइड इक्वल टू 10, उसके बाद काउंट प्लस प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या किया, टेम्प को डिवाइड कर रहे 10 से, मतलब यहाँ पे टेम्प को सबसे पहले यहाँ पे इनिशियलाइज किए, उसके बाद एक कंडीशन दिए, और फिर टेम्प को यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। तो ये वाइल लूप का यही कंडीशन होता है कि सबसे पहले हम लोग इनिशियलाइज करें, उसके बाद वाइल के साथ कंडीशन दे, या तो उसको इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, तो हम लोग यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को पता चलेगा काउंट, ठीक है। अब क्यों पता चलेगा, अब हम आगे थोड़ा सा बात बता देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे टेम्प को ही नम के बराबर करते हैं, ठीक है, तो नम के बराबर कर दिए, वेल टेम ग्रेटर देन जीरो। फिर यहाँ पे देखिए टेम्प वन इक्वल टू टेम्प परसेंट 10। अभी क्यों किए हैं ये फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब काउंट वन इक्वल टू प्लस इक्वल टू पावर टेन वन, उसके बाद यहाँ पे काउंट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को तो यहाँ पे पता नहीं है कि वो कितना डिजिट का नंबर इनपुट करेगा, जैसे यूजर अगर 4 डिजिट का नंबर इनपुट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करें हम काउंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं, काउंट इंक्रीज करके वहाँ पे क्या करेगा वो 4 डिजिट पता चलेगा, तो ये यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 4 का पावर टेम्प वन का 4 पावर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे काउंट प्लस इंक्रीज किए थे, ठीक है। अब आते हैं टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10, यहाँ पे टेम्प को फिर से डिक्रीज कर दिए। अब यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं, इफ नम इक्वल टू काउंट वन, अगर नम काउंट वन के बराबर है तो printf % d is an Armstrong number, ठीक है। तो ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा कि हाँ Armstrong नंबर है, अदरवाइज नहीं प्रिंट करेगा, तो अदरवाइज को else पोर्शन में लिख देते हैं, else इसको कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बट यहाँ पे एक नॉट एन Armstrong नंबर, ठीक है। अब रिटर्न 0 हो गया, अब इसको रन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं कि क्लियर दिखे आप लोगों को। तो यहाँ पे है इंटर द नंबर टू फाइंड Armstrong नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 8208 इंटर करते हैं, इज एन Armstrong नंबर, ठीक है। तो 4 डिजिट वाला देख लिए, अब देखते हैं लोग 3 डिजिट के लिए ये अप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं, इसको जूम करते हैं, ठीक है, ताकि दिख जाए आप लोगों को 3 डिजिट में 153, तो इज एन Armstrong नंबर। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो तो 5 डिजिट नंबर 6 डिजिट नंबर जिस जो भी नंबर हो आप इंटरनेट से फाइंड कर लीजिए कि यहाँ कौन सा नंबर Armstrong है कौन सा नहीं है, उसके बाद चेक कर सकते हैं। इसका सोर्स कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। तो